नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मौके पर के दौरान हुआ हादसा, हादसे में 5 बच्चे सहित 8 लोग ऑक्सीजन से। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार, डकैती डालने की योजना बना रहे थे आरोपी, पंजाब ज्वेलर्स पर थी बदमाशों की नजर। और कांग्रेस के पोस्टर से गर्माई मध्य प्रदेश की राजनीति, कांग्रेसियों ने पोस्टर में सीएम शिवराज को बताया कंस, बीजेपी नेताओं ने की पोस्टर। इंदौर में एमआईजी थाना पुलिस ने चेन लूट की 2 वारदातों का खुलासा किया। पुलिस की अगर माने तो जुलाई महीने में चेन लूट की 2 वारदातें हुई थी। अब उन्हीं 2 मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर को सूचना मिली थी कि एक युवक नंदानगर में सोने की टूटी हुई चेन बेचने की फिराक में था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पंकज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ाए आरोपी ने लूट की 2 वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद की है। क्या है, थाना एमआईजी में जुलाई के समय में 2 चेन स्नेचिंग हुई थी, जिसमें से दोनों में ही लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर चीज़ तलाश की जा रही थी, परंतु क्या बारिश का और रात के समय वारदात होने से फुटेज अवेलेबल नहीं हो पाए थे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पता चला कि एक लड़का जो पंकज चौहान है, जो कि नंदानगर में एक टूटी हुई चेन लेकर सोनारों के यहाँ बेचने की फिराक में यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो मुखबिर सूचना पर उसको उठाया गया, उससे पूछताछ की गई, अपना कभी कभी कुछ कुछ बता रहा था, फिर मौके से उसके द्वारा लूटी हुई चेन की एक आधा टुकड़ा बरामद किया गया। हापुड़ में जन्माष्टमी के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ जन्माष्टमी पर आग का करतब दिखाने के दौरान बच्चे सहित 8 लोग झुलस गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला गली में जन्माष्टमी के पर देर रात कुछ युवक मुंह में पेट्रोल डालकर आग का करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र में आग फैल गई, जिसमें 5 बच्चे सहित 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फिलहाल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। इस मामले में दूसरी तरफ पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये था कि मैं तो घर था और भांजा गया देखने, और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, एक बोतल भांजे के पास पेट्रोल ज्यादा पड़ी और आग लगी और उससे बच्चा ज्यादा जल गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक आग से करतब दिखाते हुए दुर्घटना होती है, जिसमें कुछ व्यक्ति और बच्चे घायल हो गए हैं। इस वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की गई। जांच में ये वीडियो कल रात की थाना पिलखुआ क्षेत्र की एक घटना के रूप में संज्ञानित हुआ है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो में करतब दिखाने वाला व्यक्ति और इसको बुलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाशों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस की माने तो मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश पंजाब ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की और बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ाए आरोपियों के नाम आकाश, दीपक, सनी, अक्कू, रितेश, रिंका और नितिन बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्या था कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार ये शहर में बढ़ती हुई वारदात को देखते हुए जो आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाश लोग हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इसी के दौरान थाना इंचार्ज महोदय, जो हमारे अभी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह हैं, इनको रात को ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंजाब ज्वेलर्स के पीछे करीबन 6 लोग हैं जो पंजाब ज्वेलर्स को लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत 2 टीम बनाकर उस जगह पर दबिश दी गई। दबिश देने पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जैसे आकाश उर्फ बोना, किशोर, बंदे, ये लाला का बगीचा का है, इसके ऊपर भी 4-5 अपराध पंजीबद्ध हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर देखने को मिला, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। इस पोस्टर में पीसीसी चीफ कमलनाथ को, कृष्ण और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कंस के रूप में दिखाया गया।
इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान का कहना है कि शिवराज सिंह का चरित्र हाथी के दांत की तरह है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब इस पोस्टर के बाद, कांग्रेस के इस पोस्टर के बाद बीजेपी नेताओं ने आपत्ति भी जताई है और थोड़े गरम भी नजर आए हैं। गृह मंत्री से लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पोस्टर की कड़ी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है किसी को इस रूप में दिखाया जाए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान, जिसमें वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और किस तरह बताया कि ये पोस्टर गलत क्यों है। ये हमारी ये संस्कृति नहीं है कि हम किसी को इस प्रकार के रूप में, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कमलनाथ जी तुम क्या थे, हम ये कहें कि तुम कंस थे या तुम क्या थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके लोगों को, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और कोई कहीं ना कहीं कुछ तो है इस प्रदेश के अंदर राजनीति में, कोई मूल्य है कि नहीं है? राजनीतिक स्तर गिरा रही है, बिल्कुल राजनीतिक स्तर गिरा ही नहीं रहे, इन्होंने राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया है, उन सारे मूल्यों को खत्म कर दिया है। इनको तो केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए मरे जा रहे हैं। तो सत्ता ना आपको मिलने वाली है, और आगामी समय में आप जो करना है वो करते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए कर रही है, चाहे हर समाज वर्ग के लिए, वो लगातार अपने दिशा में हम काम करते जाएंगे, काम कर रहे हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने कहा कि किस तरह से ये गलत है। ये वो पोस्टर था जिसने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस पोस्टर की वजह से राजनीति गर्मा गई है। इस पोस्टर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ कृष्ण के रूप में है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कंस के रूप में नजर आ रहे हैं। इसी पोस्टर के बाद मध्य प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो है पोस्टर, ये बेहद गलत है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का तो चरित्र हाथी के दांत की तरह है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपत्ति भी जताई है, गुस्सा भी जताया है। गृह मंत्री से लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पूरे मामले में इस पोस्टर की निंदा की है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर एंड न्यूज़ के साथ जनता की बुलंद आवाज़।